टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है नए उत्पादों के लिए जीआई टैग्स। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। मणिपुर के काले चावल ब्लैक एरोमेटिक राइस, गोरखपुर के टेराकोटा, तमिलनाडु की कोविल पट्टी कडलाई मिठाई तथा कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग प्राप्त उत्पादों से जुड़ी कुछ मुख्य बातों को देखते हैं। मणिपुर के चावल चाखाओ। मणिपुर के काले चावल को स्थानीय रूप से चाखाओ के नाम से जाना जाता है। इस चावल की अपने आकर्षक रंग और सुगंधित स्वाद के कारण अलग पहचान है। चाखाओ चावल का उपयोग परंपरागत चिकित्सकों द्वारा दवा के रूप में किया जाता है। रेशेदार भूसी की परत यानी फाइबर और कच्ची फाइबर सामग्री की उपस्थिति के कारण इस चावल को पकने में 40 से 50 मिनट का समय लगता है। वर्तमान में चाखाओ की खेती मणिपुर के कुछ हिस्सों में की जाती है। चाखाओ चावल का काला रंग इसमें पाए जाने वाले एंथोसायनिन नामक शक्तिशाली प्राकृतिक काले रंग के पिगमेंट्स के कारण होता है। यह चावल विटामिन ई, फाइबर और प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। इसका सेवन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, गठिया, एलर्जी, अल्जाइमर और कैंसर जैसे रोगों की रोकथाम और प्रबंधन में सहायक है। अब देखते हैं गोरखपुर टेराकोटा। गोरखपुर टेराकोटा के जीआई टैग के लिए उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्ति कला केंद्र द्वारा आवेदन किया गया था। गोरखपुर का टेराकोटा कार्य सदियों पुरानी परंपरागत कला है, जहां टेराकोटा बनाने वाले स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न जानवरों जैसे घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि की हाथों से सजाई हुई मिट्टी की कलाकृतियां बनाई जाती हैं। इन कलाकृतियों का पूरा काम हाथों से ही किया जाता है और इनकी रंगाई के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये रंग लंबे समय तक बने रहते हैं। स्थानीय कारीगरों द्वारा यहाँ लगभग 1000 से ज्यादा तरह की टेराकोटा कलाकृतियां बनाई जाती हैं। कोविल पट्टी कडलाई मिठाई, यह एक प्रकार की कैंडी है जो मूंगफली और गुड़ से बनाई जाती है। यह कैंडी तमिलनाडु राज्य के कोविल पट्टी और आसपास के नगरों में बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए नदी के पानी का उपयोग किया जाता है, जिससे प्राकृतिक स्वाद बढ़ जाता है। कश्मीरी केसर या कश्मीर सैफ्रन। केसर की खेती कश्मीर के करेवा यानी उच्च भूमि में की जाती है। केसर का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। कश्मीर में केसर की खेती पुलवामा, बडगाम, किश्तवाड़ और श्रीनगर में की जाती है। केसर के जीआई टैग के लिए आवेदन शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय तथा सैफ्रन रिसर्च स्टेशन डूसू पंपोर द्वारा किया गया था। कश्मीरी केसर एक कीमती उत्पाद है, जिसका उपयोग कॉस्मेटिक और औषधि के रूप में भी किया जाता है। कश्मीर में तीन प्रकार के केसर की खेती की जाती है, लच्छा केसर, मोंगरा केसर और गुच्छी केसर। अन्य तथ्य, जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो अथवा किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाया जाता हो अथवा वह उसका मूल स्थान हो। जीआई पंजीकरण 10 वर्ष के लिए वैध होता है, जिसे बाद में रिन्यू करवाना पड़ता है। भारत में भौगोलिक संकेतकों के लिए वस्तुओं के भौगोलिक चिन्ह पंजीकरण और सुरक्षा अधिनियम 1999 पारित किया गया है। जीआई टैग प्रदान करने का कार्य वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आंतरिक व्यापार एवं उद्योग संवर्धन विभाग के अंतर्गत किया जाता है। विभाग के महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतकों के पंजीयक हैं। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई में है। तो अब देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाखाओ मणिपुर का प्रसिद्ध काला चावल है। केसर की खेती कश्मीर के करेवा यानी उच्च भूमि में की जाती है। केरल राज्य कोविलपट्टी कडलाई मिठाई के लिए प्रसिद्ध है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, उपरोक्त सभी। सही जवाब है केवल एक और दो।